इससे पिछले मॉड्यूल में हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को समझा और हमने कहा कि जब अगर डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा तो फिर उसके अंदर साफ जाहिर है कि वो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन अपने एवरेज पॉइंट के इर्द गिर्द सेम नहीं होगी। जब सेम नहीं होगी तो हम उसको उस खराबी को कि वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है दो टर्मिनोलॉजी से या जिससे डिस्क्राइब करते हैं, या हम कहते हैं कि वो स्क्यूड होगा या कर्टॉस्ट होगा। ये दो खराबियां हैं। पहले हम स्क्यूनेस को देखते हैं कि वो क्या चीज़ है और फिर देखेंगे कर्टॉसिस किसको कहते हैं। अब जब डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो, मैंने स्लाइड के टॉप पे आपको वही शक्ल दोबारा बना के दिखाई ग्राफ की जो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा की होती है। अब जब इस तरह से नहीं होगा तो या तो ग्राफ यूं बनेगा जैसे अब आप स्लाइड पे देख रहे हैं, और अगर यूं नहीं बनेगा तो फिर ग्राफ इस शक्ल में बनेगा जैसे दूसरा आपको नजर आया, यानी वो अपने सेंटर पॉइंट के दोनों अतराफ में एक जैसा डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। तो क्या खराबी हो सकती है? अगर सेंटर के दोनों तरफ एक जैसा नहीं होगा तो किसी एक तरफ ज़्यादा हो जाएगा और दूसरी तरफ कम हो जाएगा, और उसकी दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, कभी राइट पे ज़्यादा हो सकता है कभी लेफ्ट पे ज़्यादा हो सकता है सेंटर पॉइंट के। तो लिहाजा जब कोई डाटा अपने सेंट्रल वैल्यू को यानी उसका पीक पॉइंट जो है उस पीक पॉइंट के राइट साइड पे कम हो जाए और लेफ्ट साइड पे ज़्यादा हो जाए, जैसा कि पहले वाले ग्राफ में नज़र आ रहा है। अब देखिए कि जहाँ इसका पीक पॉइंट है वहाँ से मैं एक लाइन नीचे ड्रॉ करूँ एक्स एक्सिस पे, और फिर देखें कि ज़्यादा डाटा किस तरफ है, तो आप देखिए कि इसके लेफ्ट साइड पे डाटा ज़्यादा है, राइट साइड पे डाटा कम है। राइट साइड पे हाइट छोटी है, लेफ्ट साइड पे हाइट ज़्यादा है चीज़ों की। अगर इस सूरत में डाटा होगा तो हम कहेंगे कि ये पॉजिटिवली स्क्यूड है। पॉजिटिवली स्क्यूड का मतलब है आप देखें लोअर एंड पे डाटा ज़्यादा जमा हो गया है, हायर एंड पे डाटा कम होता चला जा रहा है। सो इसके मद्दे मुकाबल अगर आप दूसरे ग्राफ को देखिए, उसका मैं सेंटर पॉइंट ड्रॉ करता हूँ तो उसके सेंटर पॉइंट के राइट साइड पे डाटा ज़्यादा है और लेफ्ट साइड वाला लोअर है, छोटे तरफ ग्राफ जा रहा है, नीचे नीचे हाइट्स की ग्राफ लाइन है। तो इसका मतलब है कि इस तरफ डाटा जो है यानी उसके राइट पे डाटा कम है, राइट पे ज़्यादा है लेफ्ट पे कम है, इसको हम कहते हैं कि ये नेगेटिवली स्क्यूड है। और इसको याद रखने का एक तरीका आपको मैं बता देता हूँ, साइंटिफिक नहीं है वैसे याद रखने के लिए। आप देखिए जो नेगेटिवली स्क्यूड है वो ग्राफ यूं चलता है ऐसे, यानी दूसरे लफ्जों में उसका स्टार्टिंग पॉइंट नेगेटिव साइन के साथ है, लंबी लाइन से शुरू होता है, नेगेटिव जैसे लाइन माइनस वाली लाइन नहीं होती उस सिंबल से शुरू होता है, नेगेटिव चलता है और फिर ऊपर जाता है और फिर ऐसे ग्राफ नीचे आता है। तो ये सिर्फ कोई फार्मूला या कोई और फैक्चुअल चीज़ नहीं है, सिर्फ ये आपके लिए एक याद दहानी के लिए एक बात मैंने कही कि अगर आप अपने जहन नशीन करना चाहते हैं कि नेगेटिवली स्क्यू डाटे का ग्राफ कैसे बनेगा, तो उस वो लोअर एंड से क्योंकि शुरू हो रहा है तो उसका शुरू में नेगेटिव साइन की तरह जाता है और फिर ऊपर जाके ग्राफ ऐसे बनता है। पॉजिटिवली स्क्यूड में ग्राफ शुरू में ही हाइट पे जाता है और फिर डाउनवर्ड आके नीचे की तरफ होता है, तो वो पॉजिटिवली स्क्यूड कहलाता है। तो ये दो तरह की स्क्यूनेस हो सकती है, पॉजिटिव स्क्यूनेस और नेगेटिव स्क्यूनेस, इसके अलावा तीसरी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है स्क्यूनेस की। अब आप आ जाएं स्टेटिस्टिकल टर्म्स में इसको कैसे समझा जाए। जब भी डाटा आपका पॉजिटिवली स्क्यूड होगा तो आप उसका देखेंगे कि जो मीडियन है वो दरमियान में आता है, मोड और मीन के दरमियान मीडियन होगा, यानी उसका मोड सबसे छोटा होगा, मीडियन उससे बड़ा आएगा और मीन सबसे बड़ा आएगा। आप उस डेटा सेट का जो आपके सामने मिसाल में नज़र आ रहा है ये वही डेटा सेट है जो पहले हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के वक्त भी एक बनाया था, उसी तरह का ये बनाया। अब इसमें देखिए कि इसका मोड जो है वो 2 है जो सबसे कम है, मीडियन उससे ज़्यादा है और मीन उससे भी ज़्यादा है। तो जब भी आपके डेटे में मोड सबसे छोटा हो और मीडियन सबसे बड़ा आ जाए तो आप कहते हैं कि ये पॉजिटिवली स्क्यूड डेटे की निशानी है। इसी तरह नेगेटिवली स्क्यूड डेटा जो कि शुरू नेगेटिव साइंस हो कैसे बनता है, इसमें अगर आप देखेंगे तो इसका मीन सबसे छोटा आता है और इसका मोड जो है वो सबसे बड़ा होता है। इसकी डेटा एग्जाम्पल मैंने आपके सामने ये रखी कि आप देखिए इसमें मीन जो है वो सबसे कम है, उससे बड़ा फिर उसका मीडियन है और उससे बड़ा उसका मोड है। तो ये
स्टैटिस्टिकली अगर इनको याद रखना हो बगैर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को देखे हुए, तो आप इस तरह से इसको याद रख सकते हैं। और जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं किसी जगह, तो वो ग्राफ्स इस शक्ल के आते हैं जी, जिन पे लाइन ना ड्रॉ की हुई हो। तो जो ऊपर टॉप पे आपको ग्राफ नज़र आ रहा है, ये पॉजिटिवली स्क्यूड है, इसका स्टार्ट हाई से होता है और नीचे की तरफ आता है। आप नेगेटिवली स्क्यूड जो अगला ग्राफ है नीचे, उसको देखें तो वो लो से स्टार्ट होके हाई की तरफ जा रहा है, उसके बार जूं जूं आप आगे जाते हैं तो उसके बार ऊंचे होते चले जाते हैं। तो यानी ये जो नेगेटिवली स्क्यूड है वो, और ये पॉजिटिव देखें, शुरू में हाइट पे है फिर नीचे की तरफ आ रहा है। जो नेगेटिवली स्क्यूड है वो स्टार्ट में लोअर छोटे छोटे बार्स हैं और एंड पे जाके बार ऊंचे हो जाते हैं, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है चीज़ की। तो ये इन दोनों की जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप, मैं जब भी इसके बार ग्राफ बनाएं तो वो इस शक्ल के नज़र आएंगे।